कोई है? शेर चीता भालू। नमस्कार, जय जोहार, कैसे हो दोस्तों? आपका भाई यानी कि मैं नंदी घोष अभी उत्तराखंड में हूँ और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया एक भयानक सा गुफा। और आइए देखते हैं उस गुफा को, ब्लॉगिंग मतलब शूट करते हैं। और मुझे लगता है बहुत पुराना गुफा होगा, जब से ये हिमालयन पर्वत बना है तब से ये गुफा बना होगा। और मैं देख के चौंक गया यार, इतना मस्त गुफा है, लेकिन डर भी लग रहा है अंदर जाने के लिए। ओ, कितना मस्त जंगल है, देखो यार। या, वाह, शाम के टाइम पे नजारा मस्त है। और मैं जिस गुफा की बात कर रहा था, ये देखो यार कितना मस्त, बहुत बड़ा गुफा है ये देखो। और अंदर अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर घुसने के लिए हिम्मत भी नहीं हो रहा है, कैसे घुस जाए भाई? अगर शेर चीता भालू कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर, दम नहीं, हिम्मत नहीं हो रहा है। एक पत्थर फेंक के मैं देखता हूँ, अगर कोई जीप अगर होगा इसके अंदर तो पता चल जाएगा। एक तो फेंका, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या फिर अंदर जाके देखें? यार डर लग रहा है, पत्थर भी नहीं मिल रहा है, कोई निकल गया कोई जानवर तो। यार बहुत खतरनाक है। एक पत्थर मिल गया, अब देखते हैं, चेक करके देखते हैं। यार कुछ भी नहीं, तो मैं जाके देखता हूँ। यार डर लग रहा है। ओ भाई, कोई है? हेलो। पर अगर यहाँ से धाम शेर निकल जाए तो डलान है या कि गिरते गिरते बचा। अच्छा अच्छा, जाके देखते हैं। यार एक डंडा लेके चलते हैं। अरे कोई है? शेर चीता भालू शोमान। इधर उजाला हो गया, कोई तो नहीं दिख रहा है। यार बाप रे, ये क्या है यार? कोई जानवर पोटी किया है? कौन सा जानवर हो सकता है? कुछ तो पोटी किया है। कौन रहता है इधर? हेलो। अरे डर लग रहा है यार, लाइट भी मैंने ऑन नहीं किया। अरे भाई भाई, ये क्या है यार? चिड़ियों का पंख यार, ये पंख है बहुत सारे। कोई जानवर तो रहता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अगर चिड़ियों को ला ला कर खाया होगा यहाँ पे, तो इसलिए ऐसे पंख वगैरह पड़े हुए हैं। इधर देखो, ये तो पंख ही है यार किसी चिड़िया का। शेर आके सोता होगा यहाँ पे, तो हम तो गए काम से। मैं क्या सोच के आया था, ये रात आज की नाइट यहीं भी बिता लूंगा, लेकिन डर लग रहा है यार। क्या कैसे शेर चीता भालू, क्या करें? इधर भी देखो यार, इधर भी देखो, ये देखो, ये भी कुछ खाए, डर लग रहा है।